जा तू मेरी रानी, तेनु महल दवा दूंगा। हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैमिली में। आशा है कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होंगे। आज मैं एक ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल इसीलिए लाया हूँ क्योंकि आजकल देखा जा रहा है जितने भी लोग हैं, जितने भी स्मार्टफोन यूज़र हैं, वो अपने फ़ोन का जो है कीबोर्ड चेंज कर देते हैं। वो अपना फ़ोन का पुराना जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड होता है, अलग सभी हर फ़ोन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वो यूज़ नहीं करके नए नए तरह के रंग बिरंगे कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं। तो उसमें बहुत सारी जो है हमें प्रिकॉशंस करने पड़ते हैं, जिस कारण से नहीं अगर नहीं करते हैं तो हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। और ऐसे ऐसे डिफ़िकल्टीज हैं जिसको सुन के आप मतलब ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं जो सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि ये भी होता है हमारे फ़ोन के साथ, ये भी हो सकता है। हाल ही फ़िलहाल में एक कीबोर्ड जो कि आप लोग शायद ने यूज़ भी किया होगा, एक AI टाइप कीबोर्ड है जो कि एक एडिशनल कीबोर्ड है जिसके अंदर के बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कराता है। वो उसका जो है डाटा जो सिस्टम था उसका लीक हो गया। आप लोग क्या करते हैं कि जब यूज़ करते हैं ना कीबोर्ड, तो उसके अंदर आप लोग बहुत सारे अपना इनपुट डाटा डालते होंगे, जैसे कि आप उसके अंदर ईमेल आईडी भी टाइप करते हैं, पासवर्ड भी टाइप करते हैं, बहुत सारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालते हैं, कार्ड की डिटेल्स डालते हैं। तो ये कंपनियां दावा करती है कि हम कोई भी डाटा जो है आपका स्टोर नहीं करते, लेकिन अभी अभी जब इनका डाटा लीक हुआ है, मतलब डाटा इसलिए लीक हो गया कि इनके सर्वर पे पासवर्ड ही नहीं लगा था। वाह भैया वाह, मतलब सही में आपने एक कीबोर्ड का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना दिया लेकिन उस पर पासवर्ड ही नहीं लगाया अपने सर्वर पे। उनका डाटा लीक हो गया और वहाँ से जब डाटा लीक हुआ तो उसमें पता चला कि बहुत सारे लोगों की ईमेल आईडी थी, बहुत सारे लोगों की पासवर्ड डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड थी, तो ऐसे में हमारा डाटा लीक हो जाता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ़ोन का जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है वही यूज कीजिए। और एक और जरूरी बात, जब हम आप लोग कीबोर्ड यूज़ करते हैं ना तो जब कीबोर्ड इंस्टॉल करते हैं या कीबोर्ड ही नहीं कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो एक बात का आप लोग ध्यान रखिए। आजकल ये हो जाता है कि जब से मार्शमैलो आया उसके बाद से ये ऑप्शन आया है कि जैसे मार्शमैलो आया उसके बाद से ऑप्शन ये आ गया है कि कोई भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर ये एक ऑप्शन ये आता है कि जब आप की हर चीज़ को आपको अलाउ करना पड़ता है कि इस एप्लीकेशन को आप अलाउ करना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहते हैं तो फिर भी दिक्कत नहीं है, यानी हर एप्लीकेशन का अपना जो यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग वो लेता है। लेकिन अब आप सोचिए कि आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड को कैमरे की क्या ज़रूरत है, कॉन्टेक्स्ट की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे वो एक्सेस मांगता है, उसको आप यस 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 अलाउ 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 कर देते हैं बिना कोई पढ़े हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके आप सपोज डेटा अपने फ़ोन के अंदर कैलकुलेटर डाउनलोड करते हैं, उसको कॉन्टेक्स्ट की क्या ज़रूरत है भाई, क्या ज़रूरत है कॉन्टेक्स्ट की, उसको ईमेल मतलब सॉरी डाटा की क्या ज़रूरत है, डाटा एक्सेस की क्या ज़रूरत है, जब डाटा एक्सेस है ही नहीं, मतलब ऑफलाइन वो काम करता है, डाटा एक्सेस क्यों अलाउ क्यों करना। तो हम बिना कुछ देखे हुए बहुत सारी चीज़ों को अलाउ कर देते हैं जिसके कारण हमारा डाटा लीक हो सकता है। तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी कोई भी किसी भी चीज़ के एप्लीकेशन को अलाउ करें, ध्यान से पढ़ लें कि उसका यूज हो रहा है एप्लीकेशन में या नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो उसका अलाउ ना करें, अगर अलाउ हो यूज हो रहा है तो उसको अलाउ कर दें। और साथ ही जो कीबोर्ड मेनली मैंने इस कीबोर्ड के लिए बताया था कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोग अपने फ़ोन का डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है उसी को यूज़ करें। और मैंने ये जो AI टाइप कीबोर्ड है इसके बारे में बता ही दिया, इसको तो यूज़ ना ही करें तो बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत ही जल्दी इसको प्ले स्टोर भी हटाने वाली है। इस टाइप के जितने भी कीबोर्ड है सॉरी इसी को नहीं मतलब जिस टाइप के जो भी कीबोर्ड हैं उसको प्ले स्टोर भी हटाने वाली है। आप लोग जब प्ले स्टोर पे कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते होइएगा वहाँ पे एक प्ले एंड प्रोटेक्ट का ऑप्शन आता है कि वो वेरीफाई करती है कि ये आपके फ़ोन के लिए सही है या नहीं, वो वहाँ से अलाउ कर देती है। लेकिन इसके अंदर से बहुत सारे मालवेयर निकलते हैं जो कि आपके मिसलेनियस मालवेयर निकलते हैं जो कि आपके फ़ोन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो लास्टली मैं बस यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने फ़ोन का डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड यूज़ करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा, आपके सिक्योरिटी पर्पज के लिए, आपके डाटा के लिए, जो भी आप इनपुट करते हैं आपके अपने कीबोर्ड में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू गाइस, थैंक यू। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फैमिली को और बड़ा से बड़ा बनाएं। थैंक यू सो मच।